फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त निधि, और आज मेरी सैंडविचेस की रेसिपीज में हम लोग बनाने जा रहे हैं पोक सैंडविच रेसिपी। पोक सैंडविच बहुत ही इजी है, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें मैंने पोक सॉसेजेस ली हैं, आप चिकन सॉसेजेस भी ले सकते हैं, बीफ सॉसेजेस भी ले सकते हैं। अगर आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप एग्स भी ले सकते हैं, या खाली वेजीज के साथ में भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसके लिए लिए हैं ये थोड़े से अनियंस, मैंने इसको स्लाइस कर लिया है, और साथ में मैंने ये रेड पेपर्स और ये ऑरेंज पेपर्स ली हैं, थोड़ी सी लंबा लंबा स्लाइस कर लिया है। थोड़ी सी ग्रेटेड चीज ली है मैंने इसके लिए, और ब्रेड्स ली हैं, और साथ में ये पोक सॉसेजेस लिए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ये कास्ट आयरन पैन लिया है, कोशिश करिएगा ऐसा ही कोई राउंड और फ्लैट पैन लीजिएगा, इजी रहेगा आपको सॉसेजेस को टॉस्ट करने के लिए। थोड़ा सा बटर डालेंगे हम इसके ऊपर, और हम अपनी सॉसेजेस रख देंगे इसके ऊपर। इसको हमको अच्छा बीच में फ्लिप करते करते अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है थोड़ा सा, ताकि सॉसेजेस अच्छे से कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं सॉसेजेस अच्छे से सॉटे हो गए हैं, तो अब इनको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे हो गए। तो फ्रेंड्स, इसी बटर में हम थोड़ा सा ये अपने अनियंस और पेपर्स को सॉटे कर लेंगे। लेट्स पुट अ लिटिल बिट ऑफ पेपर, ब्लैक पेपर, और मेरे पास एक ये स्टेक सीजनिंग है तो ये मैं डालती हूँ। अगर आप ये डालेंगे तो सॉल्ट मत डालिएगा, अगर आपके पास में ये नहीं है तो यू कैन जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड रेड चिली फ्लेक्स। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे अनियंस और पेपर्स थोड़े से सॉटे हो रहे हैं, तब तक हम लोग ब्रेड्स को टोस्ट कर लेते हैं। टोस्टर में लाइटली टोस्ट करना है, बहुत ज्यादा वेल्डन नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे अनियंस और पेपर्स हो गए हैं, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। अब ज्यादा नहीं करना है इसको, नहीं तो उसका क्रंचीनेस खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे कंपोनेंट्स रेडी हैं सैंडविच के। तो अभी थोड़ा सा मैंने ब्रेड को लाइटली टोस्ट भी कर लिया है, तो अभी इसको लाइटली थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमारी ब्रेड पे बटर लग गया है। अभी हमें सॉसेजेस को, हमको इसको बीच में से हाफ कट करना है। ऐसे तो अभी ये इसको असेंबल करते हैं। थोड़ा सा चीज डालेंगे नीचे, थोड़े से हमारे पेपर्स और अनियंस, और इसको हम हाफ कट करते हैं क्योंकि ये पूरा इस पर नहीं आएगा। तो लुक एट इट एंड दिस इज इट, द सैंडविच इज रेडी। इसको बीच में से हाफ कट करते हैं। सैंडविच, अभी मैं इसको बाकी भी असेंबल करके मैं आपको फाइनल प्लेटिंग दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के सॉसेज सैंडविचेस रेडी हो गए हैं, एंड एज यू कैन सी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बनाना। सॉसेजेस भी स्टोर बॉट हैं, तो आपको काफी इजी रहेगा। बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है ये रेसिपी, क्योंकि यूजुअली बच्चों को सॉसेजेस बहुत पसंद रहते हैं। तो डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको या आपके बच्चों को कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू निधि डिलीशियस, एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।